मुंबई मसाला मटका ऑमलेट वाला। मुंबई में नरेश नाम का एक जर्नलिस्ट हुआ करता था। वो थोड़ा सरफिरा आदमी था। अगर कोई चैलेंजिंग केस मिला तो वो किसी की भी सुने बिना उस केस को सॉल्व करने तक सोता भी नहीं था। एक बार उसकी सीनियर जर्नलिस्ट राठौड़ के पास आया नरेश उससे, सर आज मैं हमारे मुंबई के बाहर मौजूद मटका मसाला ऑमलेट का सच सबके सामने लाने वाला हूँ, क्या कहोगे? कहा राठौड़ तब, ए नरेश तुम सटिया गए हो क्या? उस इलाके में शाम के 7 बजे के बाद कोई नहीं आता, बाहर एक भी नहीं रहता, सिर्फ मटका मसाला ऑमलेट बेचने वाला सिप्पी ही बाहर रहता है। हाँ एक और बात, कहते हैं कि वो उस समय भूत बन जाता है, उसे सोते हुए किसी ने नहीं देखा और ऊपर से वो सिर्फ मटका मसाला ऑमलेट चाहिए क्या भाई कहकर ही बोलता है, यूं सुना है? कहा नरेश तब, क्या सर आप भी इन कहानियों पे विश्वास करते हैं क्या? देखते रहिए सर, मैं आपके कहानियों को झूठ साबित करूंगा। उस सिप्पी को हमारे ऑफिस को लाकर उससे आपके लिए मटका ऑमलेट बनवाऊंगा, कहकर चला गया। बाद में नरेश सुबह सुबह अपने दोस्त डुम्बू को लेकर सिप्पी के ऑमलेट के दुकान को गया। सिप्पी उन्हें देखकर, मटका मसाला ऑमलेट खाओगे क्या भाई? कहकर पूछा। नरेश तब, हाँ खाएंगे भाई, उसके स्वाद का मजा लेने के लिए दारू भी लाए भाई, यहाँ पिए तो चलेगा क्या भाई? कहा सिप्पी तब, मटका ऑमलेट खाओगे क्या भाई? कहा। तभी थोड़े लोग वहाँ पर आकर सिप्पी को पैसे देकर ऑमलेट खाकर जाने लगे। वो देखकर डुम्बू, ये कौन है यार, कोई जवाब दिए बिना हर बार सिर्फ मटका ऑमलेट खाओगे क्या भाई यूँ कहते रहता है, ये पागल है क्या? कहा। नरेश तब सिप्पी के बारे में उसे पूरी बात बताया। वो सुनकर डुम्बू, बाप रे बाप तुम सटिया गए हो क्या? क्या ये मटका मसाला वाला सुबह इंसान और रात में भूत बनता है? बाप रे यार मैं अभी जाऊंगा प्लीज यार। कहा नरेश तब, यार रुको, इसकी पूरी कहानी क्या है हम रात में वीडियो निकाल के देखेंगे, कोई ऐसे ही जर्नलिस्ट नहीं बनता, ऐसे साहस बहुत करने पड़ते हैं, कभी कभार जान को भी जोखिम में डालना पड़ता है। कहा तब डुम्बू मान गया। बाद में दोनों उनके लाए दारू पीते हुए सिप्पी के दिए ऑमलेट खाते हुए आसपास के इलाके को अच्छे से गौर करने लगे। बाद में गांव के अंदर जाकर अपने पहचानत के एक दोस्त के घर में रुके। आधी रात को नरेश और डुम्बू दोनों मिलकर सिप्पी के पास आए। सिप्पी अकेला ही था मगर वो भूत का भेष डाल के था। ये देखकर डुम्बू डर गया मगर नरेश उसे चुप रहने के लिए कहा। इतने में थोड़े युवक कारों में भूत का भेष डाल के वहाँ पर आए। वहाँ पर आकर सिप्पी के पास से कुछ छोटे छोटे पैकेट्स लेकर उसे पैसे देकर वहाँ से चले गए। ये सब नरेश और डुम्बू गौर करके सब वीडियो निकाले। बाद में नरेश सिप्पी के पास आकर, भाई बहुत अच्छा प्लान बनाए तुम भूत हो कहकर लोगों को अच्छे से भरोसा दिलाए, मगर एक छोटी कमी रह गई, सिप्पी नाम का एक इंसान बनकर सुबह ऑमलेट बेचता है और वही इंसान रात में भूत बनकर युवकों को ड्रग्स बेचता है, पता नहीं इसके पीछे और कितने बड़े बड़े लोग हैं, क्या कहोगे सिप्पी भाई? कहा तो सिप्पी, तुम्हें हमारे बारे में नहीं पता, आज तुम मटका ऑमलेट भूत के हाथों मारे जाओगे, तुम दोनों गायब हो जाओगे, कहकर सीटी मारा। बस आसपास के इलाके से थोड़े लोग भूत के भेष में उनके पास आए। अब नरेश भी सीटी मारा। तभी पुलिस वाले जीप में वहां पर आए। पुलिस वालों को देखकर वो सब भागने लगे तो पुलिस उन्हें पकड़कर खूब मारे और अरेस्ट किए। ये देखकर डुम्बू नरेश से, यार इतने दिन हम सब तुम सर फिरा हो सोच रहे थे मगर तुम हिम्मत वाले हो कहकर आज समझ आया, तुम ग्रेट हो यार। कहा तो दोनों हंसे।